धौलपुर जिले में फिर एक बार दो कोविड-19 के संक्रमित मरीज मिले जाने से चिकित्सा विभाग को जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। दोनों युवकों की रिपोर्ट 23 अप्रैल को जांच के दौरान भेजी गई थी, जिनकी रिपोर्ट जिला प्रशासन को पॉजिटिव प्राप्त हो चुकी है, जिसके बाद दोनों संक्रमित को जिला अस्पताल में क्वारंटाइन किया गया है और अब दोनों पॉजिटिव को सवाई मानसिंह अस्पताल भेजने की कवायद शुरू कर दी गई है। इसके अलावा दोनों के परिजनों की भी जाँच कराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जो कि बॉम्बे में अंटा हिल में काम करता है, इसकी एक मिठाई की दुकान है, इसके मालिक का नाम दीपक सिंह है। वो आलू के ट्रक में चढ़ के 20 तारीख को नाइट में वहाँ से रवाना हुआ। साइकिल से चल के मंडी एक जगह है बॉम्बे में, वहाँ से ट्रक में आलू के ट्रक में रवाना हुआ, वहाँ से बॉम्बे उतरा। बॉम्बे से साइकिल से चढ़ के ये पीछे अपना मदीना कॉलोनी है, वहाँ पर संजय है इसके जीजा जी का नाम, संजय और सलमा इसकी बहन का नाम है जिसका फर्नीचर का काम है। यहाँ पे ये रुका है, उसके 22 तारीख को यहाँ पहुँचा था। 23 तारीख को सुबह ये डॉक्टर दीपक जिंदल के हॉस्पिटल में आया था, जहाँ इसके जांच के लिए हमने भर्ती किया। इसका हमने सैंपलिंग कराई, जो सैंपल रिपोर्ट इसकी पॉजिटिव आई है। इसके जीजा जी के जो भी इसका हिस्ट्री है सबको हम लोग ले रहे हैं। जो मिठाई वाला इसकी दुकान जो दीपक सिंह मालिक है उससे भी हमारी बात हो गई है, सब लोगों के वह जाँच के लिए कहा है। इसका जो परिवार है उसको एम्बुलेंस भेज दिए, जाँच के लिए जिला चिकित्सा का इलाज लाया जा रहा है। दूसरे का नाम कमल सिंह है, जो दिल्ली में बदरपुर में काम करता था, मिठाई की दुकान।